नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उषा और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता, कुछ बन जाते हैं, जिसे लिखा है मेरे प्रिय कवि उदय प्रकाश जी ने। तुम मिसरी की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ। तुम मुझ में घुल जाओ, तुम ढाई साल की बच्ची बन जाओ। मैं मिसरी घुला दूध हूँ मीठा, मुझे एक सांस में पी जाओ। अब मैं मैदान हूँ तुम्हारे सामने, दूर तक फैला हुआ, मुझ में दूर। मैं पहाड़ हूँ, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पेड़ हूँ, मुझे जोर जोर से झकझोरो और मेरी रुई को हवा के तमाम परतों में बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो। ऐसा करता हूँ कि मैं अखरोट बन जाता हूँ, तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुपकर उसे दो। गेहूं का दाना बन जाता हूँ मैं, तुम धूप बन जाओ। मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ। मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुका छिपी खेलो या कोंपल होकर मेरी किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत फूट पड़ो। तुम अंधेरा बन जाओ, मैं बिल्ली बनकर दबे पांव चलूंगा चोरी चोरी। क्यों ना ऐसा करें, मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूँ नीले रंग का, तुम उसके भीतर की हवा बनकर फैलो और आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि हम कुछ और बन जाते हैं, कुछ और।